हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है JNU में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है और इसी को लेके जो है JNU SU की तरफ से जो है यानी कि वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है वो कोचिंग चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक जो है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके JNU SU का जो फेसबुक पेज है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन JNU SU, ये फेसबुक पेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको जो है उससे अपडेट, सारा अपडेट जो है जब भी वो लाइव आते हैं तो आपको जो है मिलता रहे। बाकी आज इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखें, ये आपको जो है अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से जो है रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा और इसमें जो है किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, किस तरह से आपको लिखना है और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज जो है अलग अलग छात्र संघ जो है इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो आप जो है आज इस वीडियो को देखें और फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। वो ये है कि हर साल जो जनरली है ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, लेकिन इस बार जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बंद हैं। तो इसी के चलते जो हम लोग यूनियन की तरफ से जो क्लासेस दिए जाते थे न्यू एस्पायरेंट्स को, वो नहीं दिए जा पा रहे हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन जितना संभव हो पा रहा है हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जो ऑनलाइन हम लोग असिस्टेंस दे रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद मिले। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखे, सेफ रखे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। और अब घर पे ही जितना पॉसिबल हो पा रहा है, जितना हम लोग यहाँ से असिस्टेंस कर पा रहे हैं उसके माध्यम से हेल्प लेते रहिए। और जो कोई भी इस लाइव सेशन को अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं या आगे भी जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ से इशू किए जाएंगे या जो भी हेल्पलाइन नंबर यहाँ से शेयर किए जाएंगे उस पर आप लोग बिल्कुल कोई भी कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए बिल्कुल फ्री फील कीजिए। किसी भी टाइम आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरी होंगे उसको हम लोग उसका हम लोग सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि JNU का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था और कुछ चेंजेज आए हैं, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो रहे हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे एग्ज़ाम्स में, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते थे लेकिन जो मैक्सिमम होता था वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ करते थे। BA से जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए जो JNU में BA कोर्सेज चलते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ बहुत सारे साथी जो देश के अन्य हिस्सों से कभी कभी वो लोग कॉल करते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि क्या BA में भी जो सोशल साइंसेस या आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं अवेलेबल हैं। तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि JNU में सिर्फ जो फॉरेन लैंग्वेजेज हैं उनके लिए BA का का कोर्स अवेलेबल है, जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, स्पेनिश हो गया, कोरियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, अरेबिक हो गया, पश्तो हो गया, पर्शियन हो गया, ठीक है। तो BA करने के लिए जो 12th पास करते हैं, चाहे उनका कोई भी स्ट्रीम रहा हो, कॉमर्स रहा हो, साइंस रहा हो और आर्ट्स रहा हो, वो सभी लोग BA के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन लैंग्वेज वो पढ़ें उसके बाद ही वो अप्लाई करें। लेकिन जब आप MA में अप्लाई करेंगे फॉरेन लैंग्वेज के लिए, तो फॉरेन लैंग्वेज में अप्लाई करने के लिए जब आप मास्टर्स, खास करके जब आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो आप ग्रेजुएशन में पढ़े रहेंगे तभी आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स के मास्टर्स हैं, तो बेसिकली JNU में केवल फॉरेन लैंग्वेज के लिए ही BA है
बाकी के जो कोर्सेज हैं उनकी जो पढ़ाई है वो मास्टर्स से स्टार्ट होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन से स्टार्ट होती है। सोशल साइंसेस हैं, साइंसेस हैं, और साइंसेस के बहुत सारे ब्रांच हैं, लाइफ साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ है, नैनो साइंस है, मॉलिक्यूलर साइंस है। और सोशल साइंसेस में अगर आप आएंगे तो जो जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेस के वे सभी हैं। लैंग्वेजेस में इंडियन, फिर तब इंडियन लैंग्वेज भी आ जाएंगे, फॉरेन लैंग्वेज भी रहेंगे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है SIS, फिर वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसमें MA के लिए एरिया स्टडीज़ है, और MA इन इंटरनेशनल रिलेशन है, और CITD है। इतने आपके मास्टर्स के कोर्सेज हो गए। लेकिन इन जो उसके बाद जैसे आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आप पढ़े ही हों। यहाँ पे बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप साइंस भी अगर पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो आप मास्टर्स में अगर सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं SIS के स्कूल में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको बस प्रिपरेशन करना होगा अच्छे से और एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी है, आप किसी भी सब्जेक्ट से BA किए हों या BSc किए हों, आप यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से PhD में भी है, PhD में भी ऐसे ही है, ख़ास करके सोशल साइंसेस के लिए और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए। जो साइंसेस के लिए है तो उसके लिए तो आपको बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें भी जो इंटरडिसिप्लिनरी हैं जैसे लाइफ साइंस हो गया, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर मेडिसिन हो गया, नैनो साइंस हो गया, तो उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट से आप पढ़ करके वहाँ पे MPhil और PhD का कोर्स कर सकते हैं। और इतना कुछ इसके बारे में जो बेसिक आइडिया था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसके बारे में बताया। हाँ, सैयद मुस्तबा काजमी, हाँ मैं आ रहा हूँ। आपने पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपका क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी एक लोग एक साथी हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछ रहे हैं, दिलीप कुमार रूसो हैं, ये पूछ रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। मैं आ रहा हूँ वन बाय वन करके। तो आज मैं कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे डील करूँगा, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी का मास्टर्स का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे, उसका MPhil PhD का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे, सोशियोलॉजी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, और आपका कम्युनिटी मेडिसिन हो जाएगा। तो इन सब सब्जेक्ट्स को लेकर के आज मैं यहाँ पे बात करूँगा। जी, यहाँ पे SSV भारद्वाज जी हैं, वो भी पूछ रही हैं कि VTS के बारे में, करंट अफेयर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, हाँ मैं सब पे आता हूँ वन बाई वन करके आऊँगा। पहले मैं बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है पहले मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स को वन बाई वन डील करूँगा। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन के लिए और मास्टर्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि इंटरडिसिप्लिनरी है, आप किसी भी सब्जेक्ट्स के होकर के भी आप JNU का एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप यहाँ पर एंट्रेंस दे करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स है ये ज्योग्राफी में है, और अभी मैं JNU में CSRD सेंटर है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, तो उसमें ज्योग्राफी भी है, पॉपुलेशन स्टडीज़ है और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। तो मैं पॉपुलेशन स्टडीज़ में मेरा PhD चल रहा है, मैंने MPhil भी CSRD सेंटर से ही किया है, पॉपुलेशन स्टडीज़ में भी में ही किया है। तो मैं ज्योग्राफी को भी डील करूँगा, सोशियोलॉजी को भी डील करूँगा, पोलिटिकल साइंस भी मैंने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, तो उस पर भी मैं बात करूँगा वन बाई वन करके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। इसके अलावा भी कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एक बार कोई साथी यहाँ कमेंट करके बताएं कि जो क्या मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल है। अगर मेरी आवाज़ ऑडिबल है तो कोई साथी इसका रिप्लाई करें, ताकि अगर कुछ उसके अलावा अगर कुछ ज़रूरत हो तो मैं चेंजेस करता हूँ। हाँ, कोई साथी प्लीज़ कंफर्म करें आवाज़ ऑडिबल है या नहीं। जी, मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कोई साथी रिप्लाई करते हैं।
कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो साथी अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं। या थैंक यू अनन्या ठाकुर जी, हाँ थैंक यू, हाँ जी जी आप सभी लोग को थैंक यू। हाँ कुछ साथी क्वेश्चंस ये करते हैं कि जैसे उनका उन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म फिलअप करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उनको एडिट करना होता है, तो जैसे उनका फॉर्म सबमिट हो गया है तो वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि फॉर्म कैसे सब एडिट कैसे होगा, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म का जब डेट ख़त्म हो जाएगा, जब जो लास्ट डेट जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद लगभग 1 वीक के बाद एक फिर से एक विंडो ओपन होता है, ऑनलाइन विंडो ओपन होता है, तो वहाँ पे जो आपका जब आप फॉर्म को जब ओपन करते हैं जो लिंक होगा उसके थ्रू जो आप जाएंगे जो, तो उस टाइम डैशबोर्ड पर आपका उस टाइम डैशबोर्ड पर आपका एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अगर जो कुछ भी मिस्टेक हो गया रहता है या हुआ रहता है उसको वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ साथी क्वार्टाइल पॉइंट्स को लेकर के क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन करते हैं और कुछ लोग कट ऑफ को लेकर के भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन जो जनरल क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है उसको मैं डील कर रहा हूँ, ताकि मैं वेट कर रहा हूँ कि साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग जुड़ जाएँ इस लाइव सेशन से, उसके बाद मैं सब्जेक्ट को डील करता हूँ। तो क्वार्टाइल पॉइंट के बारे में और डिप्रेशन पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो पिछड़े जिले में जिनका काउंटिंग जो सूची एक बनी है, एक जो टेबल बना है जेनू का, जो आप देखेंगे ये आपका ई प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस में एक लिस्ट दिया हुआ, उसमें दिया गया है पूरे ऑल इंडिया में क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मेंशन किया गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स क्वार्टाइल में आते हैं उनको क्वार्टाइल पॉइंट मिलेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट्स क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आते हैं उनको वो क्वार्टाइल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो जो बेसिकली पिछड़े ज़िले हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ज़िला ले लीजिए डिस्ट्रिक्ट एक्स, तो जो डिस्ट्रिक्ट एक्स है अगर वो डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा ज़िला है और किसी कोई एक कैंडिडेट है ए, अगर कैंडिडेट ए उस पिछड़ा ज़िला एक्स से अपनी पढ़ाई पूरा कर रहा है और उसका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है कॉलेज है, वो पिछड़े ज़िले में आता है, तब जा करके उसको क्वार्टाइल पॉइंट का फ़ायदा मिलेगा। कई बार होता है कि लोग पिछड़े ज़िले से होते बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई किसी अच्छे खासे सिटी में होती है, या आपको मेट्रो सिटी होता है या फिर कैपिटल सिटी होता है, तो उन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो वो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो बेसिकली आपको क्वार्टाइल पॉइंट उनको मिल सकता है कि जो लोग का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज हुआ स्कूल हुआ उस पिछड़ा ज़िला में इस्टेब्लिश है, वहाँ पे स्थित है, उन लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वही अप्लाई होता है आपका डिप्रेशन पॉइंट पे भी। तो क्वार्टाइल पॉइंट हर किसी को मिलता है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी सेक्स के हों, उनको मिलेगा। और जो आपका डिप्रेशन पॉइंट मिलेगा वो ओनली गर्ल स्टूडेंट को मिलता है, तो वो भी सेम है कि जो अगर उनका स्कूल किसी मेट्रो सिटी में नहीं है, कैपिटल सिटी में नहीं है, तो उन लोगों को वो जो मार्क्स हैं वो उनको मिलते हैं। उसके बाद से जो जिनको भी जैसे अभी जो भी डिफरेंट कोटा है जो अप्लाई होता है, तो वो लोग देख सकते हैं कि अभी जैसे जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अगर आप स्टेट से हैं तो ये आपको देखना होता है फिर कि आपका जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में कहाँ मेंशन है, आइदर वो जनरल में है बैकवर्ड में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो जो फ़ायदा है वो आपको जो पॉइंट आपको मिलना चाहिए वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। हाँ कॉमरेड रणवीर जी बोल रहे हैं, स्लो आवाज़ आ रही है, माइक को मैं पास करता हूँ। ओके थैंक यू। हाँ तो इसके लिए तो ये सब जो हो गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, तो बता दिया मैं कि डिप्रेशन पॉइंट के बारे में, क्वार्टाइल पॉइंट के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, बीए के बारे में, बीए में कैसे अप्लाई करें, मास्टर्स में कैसे अप्लाई करें, पीएचडी में कैसे अप्लाई करें, एमफिल में कैसे अप्लाई करें, ये सब मैंने लगभग मैंने इसको कवर किया है। अभी बताइए
हाँ रणविजय जी, अभी बताइए आवाज़ कैसी आ रही है? क्या अभी मेरी आवाज़ ऑडिबल है? आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि क्या NSS के पॉइंट्स मेरिट में ऐड होते हैं? जी नहीं, अभी ये यहाँ पे NSS और NCC के पॉइंट्स नहीं ऐड होते हैं। खाकसर जिगर, अगर किसी का सिर्फ कॉलेज कैपिटल सिटी में हुआ, देखिए कॉलेज हुआ और स्कूल हुआ, जैसे मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ तक की है, 10th तक की पढ़ाई कहाँ की है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ तक की है और मास्टर्स की पढ़ाई कहाँ तक की है, तो उसके आधार पे 10th अगर आपका हुआ है किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो पिछड़े ज़िले में आता है तो 10th का मार्क्स मिलेगा। 12th तक आपने पढ़ाई की है तो वहाँ तक मिलेगा। ग्रेजुएशन भी की है आपने तो वहाँ तक, उसका एक अलग अलग है कि 10th का एक नंबर, 12th का 2 नंबर, ग्रेजुएशन का 3 नंबर, इस तरीके से करके है। तो इस अगर आप 10th 12th ही केवल किए हैं पिछले जिले से तो आपको मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन आपने किया है किसी कैपिटल सिटी से या मेट्रो सिटी से तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तो वो आपका अगर आपका स्कूलिंग टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, आपका अगर आपने स्कूलिंग किया है किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से तो आपको मिलेगा, और आपका अगर कॉलेज हुआ है किसी बड़े शहर से या मेट्रो सिटी से कैपिटल सिटी से तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और सब कुछ आपका अगर किसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से हुआ है तो आपको मिल सकता है। हाँ साहिद कादरी जी पूछ रहे हैं कि वो उन्होंने MBA कर चुके हैं और क्या वो कम्युनिटी मेडिसिन कोर्स ज्वाइन, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी PhD के कोर्सेज भी MPhil PhD मास्टर्स के कोर्सेज हैं वो सभी इंटरडिसिप्लिनरी हैं। आपका मास्टर्स ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में रहा हो, आप उसमें अगर इंट्रेंस को क्वालिफाई करके आपका एडमिशन हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं। और कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। सबसे मैं तो चाहता था कि इसको लास्ट में कवर करूँ, लेकिन तो मैं अभी सबसे थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कम्युनिटी मेडिसिन, देखिए देश का एक पहला JNU में जो सेंटर है कम्युनिटी मेडिसिन का, सोशल मेडिसिन का, तो ये एक पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पे जो मेडिकल की पढ़ाई लगभग के साथ साथ सोशल साइंस का भी पढ़ाई को मर्ज करके उसका सिलेबस होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, यहाँ पर पॉलिसी लेवल जो कोर्सेज होते हैं तो पॉलिसी लेवल चीज़ों को वहाँ पे डील किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, से हेल्थ से संबंधित क्या है, जो आपका न्यूट्रिशन लेकर के क्या है, फिर आपका जैसे कि मैटरनिटी, फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टलिटी, इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पे पॉलिसी लेवल इम्प्लीकेशन कैसे होगा और पॉलिसी लेवल पे आपका रिसर्च होता है। तो उस सेंटर में डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेस भी आते हैं, जो लोग नर्सिंग के कोर्स किए होते हैं वो भी आते हैं, जो MBBS किए होते हैं वो भी आते हैं, और जो लोग सोशल साइंस किए होते हैं वो भी आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो पढ़ा होता है, जो ज्योग्राफी पढ़ा होता है, साइकोलॉजी जो पढ़ा होता है, ठीक है, वो लोग भी आते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो TISS से होते हैं वो लोग भी आते हैं, IIPS से भी आते हैं, तो हर कोई एलिजिबल है, बस आपको इंट्रेंस क्वालिफाई करना है और आपको एडमिशन अगर हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं। चलिए मैं आपको अब काफ़ी सारे साथी आ गए हैं और मैं जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वन बाय वन मैं डील करूँगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो ज्योग्राफी है मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए जो यहाँ पे कोर्सेज हैं, MA हो जाएगा आपका MA के लिए हो रहा है और MPhil के लिए हो रहा है और उसके साथ साथ PhD के लिए भी हो रहा है। तो सबसे पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर्म फिलअप करने से पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले आप प्रॉस्पेक्टस ज़रूर देख लें कि कौन से सेंटर में, कौन से स्कूल में,
कितने सीट अवेलेबल हैं, अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर जो स्ट्रेटिफिकेशन है कैटेगरी वाइज, जनरल में सीटें हैं कि नहीं है, ओबीसी में है कि नहीं है, ईडब्ल्यूएस में है कि नहीं है, या सीएसटी में है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म को फिल करें। तो प्रोस्पेक्टस देख लेने से ये भी होता है कि आपको एक मोटी मोटा जानकारी पता चल जाता है, हाँ आपको मोटी मोटा जानकारी पता चल जाता है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो वहाँ पे मिस्टेक्स और एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जेएनयू में जो ज्योग्राफी मास्टर्स के लिए पढ़ाई, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनका आपका एक ख्वाब है कि वहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई करें, एमए करें ज्योग्राफी से, तो जो लोग बीए, जिनका बीए हो रहा है ज्योग्राफी में, वो भी एलिजिबल हैं। जो लोग बीए ज्योग्राफी में नहीं है, किसी अदर सब्जेक्ट में हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका वो लोग अपना प्रिपरेशन, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है ऑब्जेक्टिव हो गया है, और पूरा टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं। पहले एमसीक्यू भी होता था और डिस्क्रिप्टिव भी होता था। तो जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसको आप केयरफुली पढ़ें, जिस भी कॉलेज में है, जिस भी यूनिवर्सिटी में है, उसको जो आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है तीनों साल का, उसको आप कवर करें। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से आपको मिल सकता है डीयू का जो सिलेबस है, तो डीयू का जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं, जो बीएचयू का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, वो भी अच्छा खासा सिलेबस है, उसको देख सकते हैं। प्रेसिडेंसी का भी जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं, एचयू का जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा कि किस तरीके से आप कौन कौन सा पोर्शन नहीं कवर किए हैं, तो वो सब आप लोग उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। और जो कुछ, तो फिर जो आप नहीं कवर किए रहेंगे थ्रू आउट ग्रेजुएशन, उसको आप लोग कवर करके अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर चांसेस, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। तो अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसके लिए मैं यही अभी कहूँगा कि आप देखते होंगे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं ज्योग्राफी के, वो लोग जो फिजिकल जो पोर्शन होता है उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, और लोगों का ऐसा मानना होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी ही सब कुछ है। लेकिन जब आप सोशल साइंस के फील्ड में आ रहे हैं और एक ऐसे यूनिवर्सिटी को आप ऑप्ट करने जा रहे हैं जो एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सोशल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इस ये सारे पोर्शन भी आपको कवर करने के लिए सोचना चाहिए, उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, रीजनल ज्योग्राफी है, उसको भी आपको कवर करना चाहिए। तो मास्टर्स के लिए अगर आप देखते हैं, तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि मास्टर्स के लिए जो पढ़ाई करना है, तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है माजिद हुसैन का, उसको आप कवर कीजिए, और उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को आप क्लियर कीजिए। उससे ये होगा कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है मास्टर्स के लिए काफ़ी है, तो उसमें जैसे एथनीसिटी पे भी, फिर माइग्रेशन पे भी, पॉपुलेशन को लेकर के जो कुछ थियरीज दिए हैं उसको लेकर के, और उसको वहाँ से कवर होगा, तो उसको आप वो आपको काफ़ी है। और जो पॉपुलेशन थियरीज वगैरह जो दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी हो गया आपका, माल्थस का थियरी हो गया, जो माल्थस का थ्योरी हो जाएगा, फिर न्यू माल्थसियन थ्योरी हो जाएगा, मार्क्स का थ्योरी हो जाएगा, और जो तो इन सबको आप कवर कीजिए, तो ये सब काफ़ी सफिशिएंट है। और उसके बाद से जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो उसमें जो मॉडल्स दिए गए हैं, जैसे कंसेंट्रिक जोन थ्योरी हो गया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो गया, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी हो गया, रैंक साइज रूल हो गया, लॉस मॉडल हो गया, वेबर मॉडल हो गया, सेक्टर मॉडल हो गया, ग्रोथ पुल थ्योरी हो गया, तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, और इसके लिए एक बुक आती है माजिद हुसैन की, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, उसको आप अगर लेते हैं तो उसमें सभी जो थ्योरी दिए हुए हैं तो वो सब आप कवर कर पाएंगे। और वो जो सारे जब थ्योरी आप कवर करेंगे, तो उसको आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए, और पढ़ते समय ध्यान रखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं।
जैसे कि अगर देखा जाए वाट, अगर अक्सर देखा जाता है कि क्वेश्चन जो जो अदर कुछ यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कराते हैं तो उनका बेसिकली कई जगह या फिर कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो वाट जो वाट WH क्वेश्चन होता है, वाट करके वाट एंड वेयर करके ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करते हैं। लेकिन जब JNU में जब आप जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो हाउ करके, हाउ का जो क्वेश्चन है, वेन हाउ, ये सब जो क्वेश्चन है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप से ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऐसा आप मानिए, भले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर होंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्हाट करके कि कोई एक फलादेश है तो उसका कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि फला जो सिटी है वो कौन से देश में सिचुएटेड है, ये ऐसे नहीं होगा। तो थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव आपको देखना होगा, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद से ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियोरी जो है उसको भी आप कवर कर सकते हैं, कवर कीजिए। तो इसके हिसाब से जब आप पढ़ते रहेंगे तो इन सबको आप करना होगा। थॉट में अगर देखा जाए तो जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें एंशियंट और मॉडर्न दो थॉट होते हैं, मतलब दो पोर्शन में थॉट को, ज्योग्राफिकल थॉट को डिवाइड किया गया है, तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसमें बेसिकली आपके, अब इसमें क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि सिंगल लाइन क्वेश्चन तो नहीं, कम ही मिलेंगे आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे कि कौन सा थियरी या फिर कौन सा कौन सा थियरी या कौन सा बुक, जैसे मान लीजिए एंशियंट में आप देखेंगे तो जो थिंकर्स हैं या जो ज्योग्राफर्स हैं वो बुक, जैसे मान लीजिए हेरोडोटस हो गया, अरिस्टोटल हो गया, ठीक है, तो इसको लेकर के कि उसका उनका बुक को लेकर के असर हो सकता है। SM Ali हैं, उसके लिए हो जाएगा, उनका हो जाएगा बुक, तो इन लोगों का बुक पूछेगा और उसको बोलेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको आप सेट कीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। फिर जो मॉडर्न जो थॉट है, खास करके जो आपका 17th सेंचुरी के बाद, जब से आपका जो स्कूल्स हैं, जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अमेरिकन स्कूल, रशियन हो गया, ब्रिटिश हो गया, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और वहाँ के भी अक्सर पूछता है कि कोई थिंकर अगर हैं, किसी स्कूल के कोई हैं, जैसे मान लीजिए कि सेम्पुल को पूछ लेगा कि वो कौन से स्कूल से हैं, ठीक है, फिर मान लीजिए आपका जो फ्रेंच स्कूल के जो भी आपके थिंकर्स हैं, जो भी ज्योग्राफर्स हैं, उनके बारे में पूछ लेगा कि वो लोग विडाल डी लाब्लास कौन से स्कूल से हैं, ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी बहुत सारे जो थियरीज दिए गए थे उसको लेकर के भी आपको देखना चाहिए कि जो ये आपका हर्टलैंड थियरी है, आपका उसके बाद से हर्टलैंड थियरी हो गया मैकाइंडर का, उसके बाद से रीमलैंड हो गया, ठीक है, स्पाइकमैन का, तो ये सब थियरी भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद से जो JT महान वगैरह हैं, इन लोग के कॉन्सेप्ट को भी आपको देखना होगा। तो ये आपका थॉट का पोर्शन आपका हो गया। और फिजिकल ज्योग्राफी में आप जो फिजिकल फीचर्स जो हैं उसको आप कवर कर सकते हैं कि कौन से जो आपका जो फिजिकल फीचर बन रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एओलियन फीचर से क्या क्या बनता है, या फ्लूवियल प्रोसेस से कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, उसके बाद से ग्लेशियल से होता है, पेरी ग्लेशियल से होता है, तो ये सब जो जो फाइनली जो जो टोपोग्राफी बनता है, जो फीचर्स बनता है, उसको आप लोग कवर कीजिए। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आप जो बुक आती है आशीष सरकार की, एक बेसिक बुक है, एक RL सिंह की भी बुक आती है, RL सिंह की बुक आती है, और राणा PB सिंह और RL सिंह एक कॉम्बाइंड बुक लिखे हैं ज्योग्राफी का, उसको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसका भी नाम है, उसको ले सकते हैं, या फिर आशीष सरकार की बुक है उसको भी देख सकते हैं। अब प्रैक्टिकल में देखा जाए तो प्रोजेक्शंस, उसको कि जो आपका नोमेन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, उसके बाद से मर्केटर हो गया, ये सब जो प्रोजेक्शन है उसको आप देखिए। फिर जो वन स्टैंडर्ड पैरेलल्स, डबल स्टैंडर्ड पैरेलल, ये सब जो क्वेश्चंस हैं इस पे भी जो बेस्ड होंगे। फिर कार्टोग्राफी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको आप देखिए, जो कार्टोग्राफी क्वेश्चंस हैं। जो स्टैटिस्टिक्स में जो आपको कवर किया जाएगा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो इनफ है, जैसे मीन, मीडियन, मोड हो गया, वेरिएशन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, रिग्रेशन हो गया, इतना काफ़ी है मास्टर्स के लिए, इससे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आपका जो
जो इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे स्केलिंग वगैरह में, कि जो स्केल का अगर उसका आप कम करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा करते हैं बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, स्केलिंग आप कर सकते हैं, रैंक साइज रूल जो हो गया, लॉरेंज कर्व हो गया, इसको आप करके कवर कर सकते हैं। उसके बाद से जो फिजिकल ज्योग्राफी बारे में मैंने बता ही दिया कि जो लैंड फोर्स वगैरह हैं, जो डेविस वगैरह का है, पिंक का है, किंग का है, ये सबको आप देखिए। उसके बाद से जो क्लाइमेटोलॉजी वगैरह होगा, तो आपका क्लाइमेटोलॉजी में डीएस लाल की एक बुक आती है, उसको आप पढ़िए, वो बेटर होगा। उसके बाद से थॉर्नथवेट का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, जेट स्ट्रीम वगैरह है, इसको आप देखेंगे तो ये सब आपका काफ़ी काफ़ी मतलब ये सब कवर करता है। तो कुल मिला जुला करके ये आपका ज्योग्राफी के लिए रहा। तो मतलब अगर देखा जाए ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, तो माजी दुशन की जो बुक है, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो इनफ है। फिजिकल की आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी के अगर डी एस लाल पढ़ सकते हैं, या फिर अगर एक बुक आती है आपका जीसी लियोंग की, वो भी बुक है, शॉर्ट में बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जी, उसको पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद से मैं पॉलिटिकल साइंस में आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में जो होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि, हाँ मैं फिर से थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई फिर से किसी को अगर क्वेश्चन है तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पे पहुँचता हूँ। पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी आपको कवर करना चाहिए, उसमें जो आपका फ्रंटियर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको भी आप कवर कीजिए। इसके अलावा, हाँ इसके अलावा जो को भी, हाँ मैंने बेसिक मतलब मैक्सिमम मैंने कवर कर दिया है। नेहा सिद्दीकी ये बोल रही है कि बीए का फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, प्रिपरेशन कैसे करें? तो हाँ जेनू, हाँ देखिए यूनियन की तरफ से ये इसका जैसे अभी ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है, इसके बाद से क्लासेस के लिए भी ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। इसी जो पेज है यूनियन का, इसी पेज से आपका ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग अरेंज करेंगे, और जो मटेरियल्स होंगे वो लोग भी, उसको भी हम लोग आप लोग तक सेंड करेंगे। और उसके मटेरियल्स के लिए बेसिकली देखिए जो ग्रेजुएशन के लिए हैं वो लोग आपका कुछ इंग्लिश आपका पोर्शन जो बेसिक है, ग्रामर्स वगैरह वो कवर करेगा, जनरल नॉलेज का कोई जो क्वेश्चन है वो कवर करेगा, और उसके साथ साथ जो आपका क्लस्टर वाइज, जैसे कि यूरोपियन क्लस्टर का क्या हिस्ट्री है, क्या कल्चर है, जो आपका एशियन जो ईस्ट एशियन है, जैसे चाइनीज़ हो गया, कोरियन हो गया, जापनीज हो गया, तो वहाँ का क्या कल्चर है, हिस्ट्री क्या है, वेस्ट एशियन में जो क्लस्टर हो गया उसको, तो इस तरीके से आपको जो वहाँ का क्लस्टर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो सिलेबस है, सॉरी कल्चर है, हिस्ट्री है, वो आपको देखना होगा। तो बेसिकली मोटी मोटा आपको यही देखना होगा, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी आपको मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उतना ही बस है, उतना काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे साथी लोग हैं जो अदर सब्जेक्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं। अमन जायसवाल, अभी आप पूछ रहे हैं ग्रेजुएशन के बारे में, मैंने बताया अभी, तो ग्रेजुएशन के बारे में मैंने बताया है, और कुछ जो छात्र कुछ जो स्टूडेंट हैं कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे साथी निवास ने यहाँ पे मेंशन किया है कि पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर 69-70 के आसपास गया था, और एक IRAM है 75 गया था, और PISM जो है 86 के आसपास गया था। तो हाँ जी, और भी साथी हैं जो अदर सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ साथी हैं इंग्लिश के बारे में भी पूछ रहे हैं, लेकिन अभी, हाँ साथी जो पूछ रहे हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस होंगे, जी बिल्कुल, उसको हम लोग क्लासेस अरेंज करेंगे, और जो भी मटेरियल्स वगैरह होगा उसको हम लोग सेंड करेंगे, और जितना मैंने अभी रीडिंग्स बताया, जो भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि आपको ये पोर्शन कवर करना है, तो उन सबको आप कवर कीजिए, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। और इसके साथ साथ चूँकि अब यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस होंगे, तो
तो उसके लिए जो नेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, नेट का हो गया, सेट का हो गया, स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेट हो गया, सेट हो गया, और जो अदर बुक्स होते हैं कम्पिटिटिव बुक्स जहाँ पे, या फिर जो ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस का बुकलेट होता है, उसको आप खरीद उसको ले करके प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि उसके क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको ऐसे कवर कीजिए, तब जा करके आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे और आपका जो बेस है वो भी आपका क्लियर होता रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बनता रहेगा। आशुतोष जी पूछ रहे हैं, IR एंड पोलिटिकल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट ठीक रहेगा? देखिए सब्जेक्ट दोनों ठीक हैं, सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस में है और आप कौन सा सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और कौन सा सब्जेक्ट को आप मतलब प्रीफर करके उसकी तैयारी करते हैं और जिसमें आपका तैयारी अच्छी रहेगी, उसमें आपको बेशक आपको एडमिशन भी मिलेगा। तो सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, IR भी अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा है, एरिया स्टडीज़ भी अच्छा है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है। शाबाज पूछ रहे हैं कि MA डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। जी देखिए अभी डिजास्टर मैनेजमेंट तो से एक अभी लास्ट ईयर ये अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी डिजास्टर मैनेजमेंट अगर देखें तो ये मतलब मोटी मोटा ज्योग्राफी के करीब करीब इसको आप पाएंगे। तो जो ज्योग्राफी के बहुत सारे, जैसे कि आप उसमें जब उसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ज्योग्राफी की अगर फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ उसमें पोर्शन कवर हो सकता है। तो उसके लिए आप देखिए, और इसके साथ साथ जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा उसको देखिए, और उसके साथ साथ जो अभी MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। तो ठीक है, तो इसके बाद मैं अभी अब मैं पॉलिटिकल साइंस पे चल रहा हूँ। काफ़ी साथी, बहुत सारे साथी बहुत दिन से, बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, और सोशियोलॉजी के लिए भी बहुत सारे दोस्त साथी पूछ रहे हैं। तो मैं पहले पॉलिटिकल साइंस कवर करता हूँ, उसके बाद से मैं सोशियोलॉजी पर भी मैं आऊँगा। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए सबसे पहले देखिए कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें पॉलिटिकल थियोरी जो पोर्शन होता है उसको आप सबसे पहले कवर करने के लिए, जैसे कि जो बुक कैटरीना मैकिनन की बुक है, राजीव भार्गवा की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जो कुछ साथी जो हिंदी में, हिंदी मीडियम में जो हैं वो लोग सकते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल थियोरी के लिए हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो गया, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी के लिए जो बसु की बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है, PM, तो मैक्सिमम लोग तो लक्ष्मीकांत तो पढ़े ही होते हैं, और जिनका ग्रेजुएशन में अगर पॉलिटिकल साइंस है तो DD बसु बुक भी बहुत सारे लोग कवर किए रहते हैं। तो उस बुक को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वहाँ से आप कवर कीजिए। उसके बाद जो थॉट का बुक आती है तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, और उसका जो पोर्शन होता है उसको आपको कवर करना है। तो जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसमें आपका VR मेहता की बुक है, और ए अप्पादुराई का बुक है, थॉमस फैंटम का बुक है, उसको लेकर के आप जो सिलेबस आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, और इसके साथ साथ आप DU का सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इग्नू, अगर इग्नू ग्रेजुएशन का अगर आपके पास नोट्स हैं या फिर वो उसके सिलेबस हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इससे आपका मतलब काफ़ी ब्रॉड भी होगा लेकिन डिस्क्रिप्टिव भी होगा, और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर होगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे तो मोस्ट प्रोबली आप हर क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। उसके बाद जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो बुक है उसमें आप देख सकते हैं, ब्रायन नेल्सन की बुक है, गाबा भी इस पे लिखते हैं, शेफाली झा हैं, तो उनके भी शेफाली झा की जो बुक है इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। सेबिन की बुक है उसको देख सकते हैं, CL वेपर की जो बुक है उसको देख सकते हैं, क्रिस स्पार्क्स की जो बुक है उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एड में विद्युत चक्रवर्ती
का आप बुक अगर प्रीफर करते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो पोर्शन कवर करता है। उसके बाद से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है जेसी जौहरी की जो बुक है वो आपका मोटी मोटा वहाँ से आप काफ़ी सारा आप वहाँ से कन्फर्म कर सकते हैं। आईआर के लिए जो है वो एंड्रयू हेवुड और बेलिस एंड स्मिथ हैं। और इसके साथ मैं जो भी रीडिंग्स में बता रहा हूँ उसको हम लोग यहाँ से इसी पेज पर हम लोग अपलोड भी करेंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल्स भी होंगे, जो रीडिंग्स होंगे उसको भी अपलोड करेंगे। तो जो साथी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे। पोलिटिकल प्रोसेसेस की जो है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाई निर्जा गोपाल की एक बुक है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाई निर्जा गोपाल, तो ये बुक भी है। और जैसे कि मैंने बताया कि इग्नू का नोट्स भी है। और इसके साथ साथ अगर कालीकट यूनिवर्सिटी का अगर आपको नोट्स मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है, डीयू का सिलेबस मिल जाता है, तो उसको भी आप कोशिश कीजिए कवर करने का। उसके हमजाद अहमद साथी पूछ रहे हैं कि बीए ऑनर्स। जी नहीं, मैंने बताया कि बीए नहीं है, इंग्लिश में बीए नहीं है, मतलब इंडियन लैंग्वेजेज आपको नहीं मिलेंगे, केवल फॉरेन लैंग्वेजेज हैं। इंग्लिश तो आपका इंडिया में बेसिकली एक तरीके से यहाँ का एक लैंग्वेज ही है। तो बीए इंग्लिश में नहीं है, बीए केवल आपका फॉरेन लैंग्वेजेज है, स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, उसके बाद से आपका कोरियन हो गया, जैपनीज हो गया, चाइनीज हो गया, पर्शियन हो गया, पश्तो हो गया, ये सब जो बुक हैं ये आपका बस केवल बीए में यही सारे सब्जेक्ट जो हैं अवेलेबल हैं। हाँ, ऑनलाइन को साथी सुहेल अहमद पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कब से चलेंगी। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब से चलेंगी, तो क्लासेस जल्द स्टार्ट करेंगे। और सुहेल अहमद पूछ रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कवर करना है। जी बिल्कुल कवर करना है, और मतलब कोई भी जो पोर्शन है आप अपने तरफ से कोई भी जो पोर्शन आप अपने तरफ से मत उसको छोड़िए, तो मत छोड़िए, नहीं तो क्या होता कि क्या पता उससे संबंधित, उससे रिलेटेड अगर दो तीन क्वेश्चन भी आ गया और अगर आप मिस कर गए तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में एक तरीके से सिलेक्शन कर लेने से रोक सकता है। इसलिए जो भी सिलेबस है जो भी पोर्शन है, जितना कुछ भी आपने पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में, उसको आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको पढ़ाई कीजिए, तभी जा करके आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको आप कवर कर पाएंगे। संजय उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता कि नहीं। जी इस ई प्रोस्पेक्टस है उस पर दिया हुआ है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, सभी जिलों का जो टेबल वाइज सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टेबल वाइज सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कौन से क्वार्टाइल वन में आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स क्वार्टाइल टू में आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पिछड़े जिले में हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स नहीं हैं। तो वहाँ से देखने के बाद आप काफ़ी तरीके से अश्योर हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये सब मैंने बताया, और जो मैंने बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली ये सब चीज़ देखना होगा। और एमसीक्यू के लिए भी आपको ब्रॉड लेवल पे जो है कि जो कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए आपको, जब कॉन्सेप्ट को जब ब्रॉड लेवल पे आप पढ़ते हैं, काफ़ी डीपली पढ़ते हैं, तब जाकर के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाते हैं। और जो थिंकर्स वगैरह हैं पॉलिटिकल साइंस में जो मैं बात कर रहा था, तो मार्क्स को लेकर के और हीगल्स को लेकर के और प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं, ये लोग की भी जो बुक है, मतलब इन लोग का भी जो पोर्शन है उसको भी आप लोग
कवर कीजिए, मतलब जो भी थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इनको भी आप लोग कवर करते रहिए। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एक आर गुप्ता करके एक पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप लोग अगर अगर आपको मिल पाती है तो उसको देखिए। और अगर उसका अगर पीडीएफ, जी संजय उपाध्याय जी पूछ रहे हैं एमफिल पॉलिटिकल साइंस में कैसे होगा साथी, जी मैं यही बता रहा जो मैंने मास्टर्स के लिए बताया, तो ये सारा सिलेबस जैसे कि जो बता रहा हूँ मैं, वो तो मोटी मोटा ये सारे सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जो मास्टर्स का जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कीजिए, जो जैसे मान लीजिए आप जेएनयू में आपको एमफिल करना है पॉलिटिकल साइंस में या पीएचडी करना है, तो जो जेएनयू का जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कीजिए और उस ये देखिए कि आपने जो मास्टर्स किसी जो अदर यूनिवर्सिटी से किया है, अदर कॉलेज से किया है, तो आपको देखिए कि कौन कौन से पोर्शन मिस हुए हैं, जिस पोर्शन को आप कवर नहीं कर पाए हैं उन पोर्शन को आप कवर करने की कोशिश कीजिए। और अभी तो मास्टर पॉलिटिकल साइंस में एमफिल के लिए पीएचडी के लिए सभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही हुआ करते थे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने के लिए मैंने वही बताया कि आर गुप्ता पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो नेट सेट के लिए जो होता है, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, उनको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो मॉडल पेपर होते हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर हाँ उसको प्रैक्टिस करके उसको प्रैक्टिस करने से आपका जो तैयारी है वो अच्छे से होगा। रंजीत पूछ रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के लिए, जी मैं थोड़ा सा उसको भी कवर कर दूंगा, हालांकि अभी तो मैं बस केवल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और कम्युनिटी मेडिसिन को ही डील कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के लिए बता दूंगा। साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे कोई सेंटर तो नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ाई की है तो अगर आप यहाँ चाहते हैं तो कम्युनिटी मेडिसिन में भी आ सकते हैं। यहाँ पर जाकिर हुसैन सेंटर है, एजुकेशन सेंटर, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ के दरवाजे खुले हैं। उसके आपको ऑप्ट करना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को लेकर के आप यहाँ पे एंट्रेंस देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। उसके बाद से ज्योग्राफी में गोविंद जी पूछ रहे हैं ज्योग्राफी में एमफिल कैसे होगा। देखिए एमफिल के लिए जो मैंने बताया कि जो जिस तरीके से एमए का जो कोर्सेस था, तो एमए के लिए मैंने बताया कि जो भी मैंने बताया पोर्शन ये सब ग्रेजुएशन के सिलेबस को कवर करने के लिए था। यही जब आप मास्टर्स में अब करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हुआ, और आपका जो मॉडल्स हो गए हैं, उसके बाद से आपका जो थॉट हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल हो जाता है। तो उसको आप जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जब आप सिलेबस रखेंगे एक साथ, तो आप पाएंगे कि आपने क्या पढ़ाई किया है और आपसे क्या मिस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान चार्ट आउट कीजिए कि आपसे कौन कौन से पॉइंट्स मिस हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को आपने कवर किया है। और सब सारे जब आपके पास ऐसा एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उन पोर्शंस को आप कवर कीजिए। और कवर करने के बाद जैसा ये होगा कि आपने सारा पोर्शन आपने कवर कर लिया है, तो फिर आप जो नेट का सिलेबस है उसको भी देख लीजिए कि आप क्या कवर कर पा रहे हैं, आपने कवर किया है नहीं किया है, वो भी अगर हो गया है तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। तो उसको करने का सबसे जो इजी तरीका है वो आपका जो नेट का पेपर है, जो एमफिल और पीएचडी के साथी जो लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए एमफिल पीएचडी के जो साथी हैं, जो साथी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस देने के लिए, एडमिशन लेना चाहते हैं, जी गुलजार जब मैं अभी मैं आप पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को डील कर लूँ। हाँ, तो एमफिल पीएचडी के लिए जो क्वेश्चन पेपर होंगे, आपका जो नेट का पेपर होगा उसको आप मतलब कंटिन्यूसली उसको आप प्रैक्टिस में लेते रहिए। जैसे मान लीजिए 2005 से या 2010 से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, तो उसको आप अप्लाई करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए या फिर उसको सेट लगाते रहिए, तो आपको पता चल पाएगा। या फिर जब आप पूरी तैयारी कर लें, तो पूरी तैयारी करने के बाद से आप एक टाइम डिसाइड करें
जैसे कि मान लीजिए कि जेएनयू का इंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको 2 घंटे का टाइम देता है, तो आप 2 घंटे का टाइम लीजिए और उसके बाद से आप प्रैक्टिस पे बैठिए और पूरा आप उसको सेट को कंप्लीट कीजिए। और वो सेट कंप्लीट करने के बाद से फिर बाद में आप उसको जो क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन, जो आंसर की होगा क्वेश्चन का, उस आंसर की को से अपना मैच कीजिए स्कोर क्या है। तो अगर आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जितना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे उतना ही आपका जो यहाँ पे एडमिशन का जो सिक्योरिटी है, इंश्योरिटी है, वो ज़्यादा ही तरीके से आप खुद को इंश्योर कर पाएंगे कि आपका जो सर यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। जी गुलजार जी पूछ रहे हैं कि सोशियोलॉजी का क्वेश्चन कौन सेट करेगा। देखिए अभी एनटीए क्वेश्चन मोस्ट प्रोबली जो एनटीए है तो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, तो इसके पहले तो अभी जैसे पेपर तो ऑनलाइन था, ऑब्जेक्टिव था, लेकिन उसमें उस टाइम क्वेश्चन को जेएनयू के प्रोफेसर्स ने सेट किया था, लेकिन अभी एनटीए जो है वो क्वेश्चन को सेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली मैं जो बता रहा हूँ कि एनटीए ही सेट करेगा या जेएनयू के प्रोफेसर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या पता अभी हो सकता है कि जो प्रोफेसर को अपोज करके या फिर उनसे उनके थ्रू उनसे क्वेश्चन पेपर लेकर के अपलोड कर सकते हैं कि एनटीए कहीं ना कहीं तो टीचर से अप्रोच करेगा या फिर जो भी स्कॉलर्स हैं उनसे अप्रोच करेगा। तो ये कोई इस पर बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन कौन सेट करेगा। प्रियोरिटी आपका ये होना चाहिए कि आपका तैयारी बेहतर होना चाहिए। आप अगर तैयारी बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं तो मतलब अपना जो मेन फोकस है अपना प्रिपरेशन पे लगाइए, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, आप उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आप सेट कीजिए, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको लगाइए। हाँ नेहा जी पूछ रही हैं यहाँ पे, नेहा सिद्दीकी जी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं बिल्कुल पूछिए। यहाँ पर तो जो अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है ये सभी के क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए, जो कन्फ्यूजन है, जो क्वेरीज हैं उसको आंसर करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। जो भी साथी हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनके पास भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से हम लोग यहाँ से उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आंसर कर रहे हैं। और जो भी अगर आपको मटेरियल्स है उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, जो भी उसको जो क्लासेस उसके पास हम लोग यहाँ से स्टार्ट कराएंगे तो वहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिलते रहेंगे। हरजीत सिंह, हरजस सिंह साथी हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमफिल इंट्रेंस टेस्ट सोशल स्टडीज एंड पॉलिटिकल के लिए ज्वाइंट में होगा। देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि आप सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछना चाहते हैं। जो सोशल स्टडीज़ है मैं जो रीड कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप सोशल स्टडीज़ के बारे में जो बोल रहे हैं वो सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी का जो पेपर होगा वो अलग होगा, जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अलग होगा। सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो अलग अलग होंगे, कंबाइंड नहीं होंगे। सभी क्वेश्चन जो सब्जेक्ट हैं उनके जो पेपर होंगे वो अलग होंगे। इकोनॉमिक्स का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, पॉपुलेशन स्टडीज़ का अलग होगा, जो सोशल मेडिसिन है उसका अलग होगा। ठीक है क्वेश्चन पेपर जेएनयू का अवेलेबल होता है। देखिए एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है तो पहले ये था आपका कि जेएनयू एग्जाम लेता था और उसका वेबसाइट पे लास्ट थ्री प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर मिलता था, लेकिन अभी एनटीए करा रहा है तो एनटीए अभी तक तो अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किया है। ये क्वेश्चन पेपर उनके पास ही अभी अवेलेबल हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, पेपर डाउनलोड करके अपने पास रख पाए हैं। रिजल्ट तो लास्ट ईयर ही डिक्लेयर हो गया था और अगर अवेलेबल होगा तो देख सकते हैं, आप विजिट कीजिए, लेकिन एक टाइम के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं।
तो जो आपका रिजल्ट, तो बात की बात है, पहले आप सभी साथी लोगों से सजेशन है कि आप लोग जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आप अपने और आप जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, और उसको उसके साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जी, नेहा जी का क्वेश्चन है, सर क्या सिर्फ जेनू बीए फॉरेन लैंग्वेज की बुक पढ़ने से एंट्रेंस क्लियर हो पाएगा? बीए के लिए मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। हाँ जी, देखिए मैंने बताया कि जो बीए का जो सिलेबस है वो आपका थोड़ा सा रीजनिंग होगा, उसमें पोर्शन रीजनिंग का होगा, एक पोर्शन आपका इंग्लिश का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, और जो आपका जिस क्लस्टर में आपने अप्लाई किया है इस बार तो कंबाइंड कर रहा है, इसके पहले जैसे जो यूरोपियन क्लस्टर हैं, जो स्टेशन क्लस्टर हैं, जो स्टेशन क्लस्टर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो हिस्ट्री है, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप होते थे। तो अगर इस बार कंबाइंड किया है तो मान करके चलिए कि जो तीनों चारों जो क्लस्टर हैं उसका जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वहाँ का जो लोकल, उसके बारे में, उस स्पेसिफिक जो कंट्रीज हैं उसके बारे में कुछ आपको पढ़ना होगा, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो स्टडी मटेरियल्स हम लोग, ये जो यूनियन का जो जो पेज है, JNUSU का जो पेज है, जो फेसबुक पेज है, यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे, और यहाँ से जब हम लोग जब स्टडी मटेरियल्स भी देंगे और रीडिंग्स भी देंगे तो आप उसको देखते रहिएगा। तो वो जो सिलेबस है जो यहाँ से स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो कवर करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर तो टीचर सेट करेंगे, स्टूडेंट्स नहीं सेट करेंगे, तो ये कह पाना कि जो हम पढ़ाएंगे सिर्फ वहीं से आएगा इस पे बहुत नहीं कहा जा सकता है। संबंधित उससे रिलेटेड आप क्या और भी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करके पढ़ पा रहे हैं ये ज़्यादा सही होगा। परवेज आलम पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स का इंट्रेंस कब होगा? जी साथी, देखिए परवेज जी, इंट्रेंस सभी का एक साथ होगा, अभी आप पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, और उसके बाद से अभी तो डेट तो अभी पोस्टपोन का कुछ ऐसा नहीं है कि अभी, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या डेट क्या नहीं है, लेकिन अभी तो जो लास्ट डेट था फॉर्म सबमिट करने का वो डेट तो एक्सटेंड किया गया है, और अगर अगर लॉकडाउन अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो मोस्ट प्रोबेबली कि एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन इसमें इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उससे बेटर ये है कि आप सभी लोग अपने क्या नाम है कि जो प्रिपरेशन है उस पे फोकस कीजिए, और सभी का जो एंट्रेंस होगा ये एक साथ होगा। कोई साथी बोल रहा है कि क्या मेरी आवाज़ विजिबल नहीं है और ऑडिबल भी नहीं है, क्या कोई कोई साथी कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी आवाज़ विजिबल नहीं है और ऑडिबल भी नहीं है? कि जिस सब्जेक्ट में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाता है, देखिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट का ही तो प्रिपरेशन करेंगे, और उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके ही आप उस सब्जेक्ट का जो एंट्रेंस है आप उस एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उस सब्जेक्ट का जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका आपने फॉर्म फिलअप किया है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जिसका प्रिपरेशन अच्छा होगा उसका जो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। कोई साथी कंफर्म करें कि क्या मेरा वॉइस, हाँ गोविंद जी बोल रहे हैं कि मेरा वॉइस सही है, ऑडिबल भी है, और जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो अभी मैंने ये बता रहा था मैं, पॉलिटिकल फिलासफी के बारे में भी मैं जो मतलब पॉलिटिकल साइंस में कवर कर रहा था, तो उसके बारे में सारे जो वन बाई वन करके मैं सारे पोर्शन को मैं कवर कर दिया था। इसके बाद से मैं
जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि सोशियोलॉजी के बारे में भी जो एक मैंने बात कही थी कि इग्नू का जो नोट्स है, तो इग्नू का नोट्स काफ़ी मतलब होता है किसी भी के पास, अगर कहीं से एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है तो उस नोट्स को आप और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी कीजिए। और कम से कम 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसका आप उसको डाउनलोड करके उसको आप मैच कीजिए कि आपने जो पढ़ाई की है वो आपने सारा पोर्शन कवर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो सोशियोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो उसके बारे में भी है कि उसके बारे में भी आपका है कि जो थिंकर्स खास करके जो हैं, तो इंडियन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, हाँ कुछ साथी अभी फिर से ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहे हैं। अभी मैं सोशियोलॉजी को मैं कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट पे आ जाऊँगा, या फिर जो कोई अदर कुछ पूछना चाहते हैं जो कि साथी उनके क्वेश्चन को भी मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो जो सोशियोलॉजी है उसके बारे में जो बुक है, अगर आप देख सकते हैं रिटजर की एक बुक आती है, उसको आप कोशिश अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो बेटर है। और हरलंबस की एक बुक आती है उसको भी आप देखिए, राका एंड शंकर की एक बुक आती है, ये ऑब्जेक्टिव भी इसमें है और काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन अगर इसकी अगर एक्सेसिबिलिटी मिल पाती है तो अच्छा है। अगर देखते हैं अगर उसका PDF होगा तो हम लोग यहाँ से अपलोड करेंगे। और उसके साथ साथ इग्नू, तो बुक है क्या, रिटजर हो गया, हरलंबस हो गया, राका एंड शंकर हो गया, इग्नू हो गया। तो इतने सारे जो बुक्स हैं उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद से जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसके बारे में जो थिंकर्स वगैरह हैं तो उसको आप कवर कीजिए, इन जो इंडियन थिंकर्स हैं उसके साथ साथ जो आपके जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उसको आप कवर कीजिए। और उसका जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इंडियन सोशियोलॉजी जो हो गया आपका, और स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल चेंज क्या है, और उसके बारे में आप थोड़ा डीपली देखिए तो ये सब हो जाएगा। और जो सबसे जो अहम बात है वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद, सबको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद जो प्रैक्टिस की बात आती है, तो अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया है, आपने सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो शायद ये एक मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए जितना आपको ध्यान देना है अपना कॉन्सेप्ट को कवर करने में, सिलेबस को कवर करने में, उतना ही आपको अपना टाइम इस पर भी लगाना चाहिए कि आप प्रैक्टिस सेट को भी लगाते रहिए। इसलिए आप नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर आपका अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसको ले लीजिए। हालांकि अभी सारे बुक्स शॉप्स तो बंद हैं, PDF अगर किसी के पास है, या फिर हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको अवेलेबल कराते हैं। और जो आर गुप्ता का जो बुक है वो आपका सोशियोलॉजी के लिए भी आर गुप्ता की बुक आती है, ये मतलब जो डी स्कूल के लिए काफ़ी मतलब इसको प्रीफर किया जाता है। तो अगर आर गुप्ता की बुक भी अगर आप सिलेबस को उसको कवर करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज का जो अभी ये जो ओरिएंटेशन रहा, मैंने इसमें ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और सोशल मेडिसिन को मैंने कवर किया है। उसके साथ साथ मैंने कुछ ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं कि ग्रेजुएशन की तैयारी में क्या सिलेबस होते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसके बारे में बता दिया हूँ मैं। और कुछ और जो साथी हैं जो अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साथ के साथी पूछ रहे हैं, तो हॉस्टल सभी को मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल जाता है, जो दिल्ली के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको नहीं मिलता है, जो जो जिनका जो जो परमानेंट एड्रेस है वो मतलब अगर दिल्ली के बाहर हैं तो उनको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उनको मिलने के चांसेस होते हैं।
और जो हॉस्टल होता है उसका जो लिस्ट होता है वो आपका जो रैंक पे डिपेंड करता है कि रैंक के अकॉर्डिंग ही हॉस्टल मिलता है। तो सबसे पहले कुछ लोगों को हॉस्टल मिलता है, उसके बाद मैक्सिमम लोगों को डॉर्मेट्री मिल जाता है, लेकिन फिर भी किसी को रहने का कोई दिक्कत नहीं होता है। कैंपस ऐसा इंक्लूसिव कैंपस है कि हर किसी को मतलब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये आज का ओरिएंटेशन सेशन रहा है, और जो भी साथी यहाँ पे अप्लाई यहाँ जो भी साथी यहाँ पे जेएनयू के लिए अप्लाई किए हैं और जो इस सेशन में हमसे जुड़ पाए हैं, और हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि मैक्सिमम सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको हम लोग यहाँ से उसका आंसर करने की कोशिश किए हैं। और जिन किसी साथी का अगर क्वेश्चन हम अगर यहाँ से रिप्लाई नहीं दिया जा सका है, या फिर जिनका क्वेश्चन मिस हो गया है, तो जो जेएनयू एसयू ऑफिस बीरर्स का जो मोबाइल नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर जो शेयर किया गया है, उस पर आप मतलब बेझिझक किसी भी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इसके लिए आप जो स्टडी मटेरियल्स हैं और जो रीडिंग्स हैं उसके लिए आप बहुत वरीड मत रहिए, उसको हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ से अपलोड करेंगे। और टाइम टू टाइम आप इस पेज को विजिट करते रहिएगा, जो भी मटेरियल्स होगा उसको हम लोग यहीं से अपलोड करेंगे। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें बहुत बचाव करने की ज़रूरत है। आप सब लोग अपने घरों में सेफ रहिए, जितना ऑनलाइन मटेरियल्स मिल पा रहा है उसे उसमें पढ़ाई कीजिए। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। लाल सिंह।